सवाल है आयुक्त महोदय से कि आप क्यों उनको रिलीव नहीं कर रहे हो, क्या ऐसी आपकी मजबूरी है, क्या शासन के आदेश को पालना आपका कर्तव्य नहीं है, क्या आप शासन के आदेश से मंत्रालय के आदेश के ऊपर हैं? तो आयुक्त साहब जवाब दे। और ये खुलासा मैंने किया, एक राहत की बात जरूर बताई मैंने कि माननीय ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग ने ये नोटिस बजाया है बसे विरान महानगर पालिका, इस नोटिस के बाद क्या करती है वो देखा जाएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज फिर मेरे हाथ में कुछ कागजात है और मैं कुछ एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, तो वहीं पर कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो आप अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दरअसल वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत कोविड मरीजों से जो लूट हुई थी उसका मैंने कितना फॉलोअप किया था ये आप सभी जानते हैं, मेरे दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मैंने कई वीडियो आगे के समय में लगाए हैं जिसमें मैंने बड़े बड़े खुलासे किए। तो उसी कोविड विषय को संबंध में ये वीडियो है और उसमें अब एक बड़ी जीत होती दिखाई दे रही है, उसके शुभ संकेत है, मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। वहीं एक विषय इसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो विषय है वसई विरार महानगर पालिका में आने वाले अधिकारी जो कि महानगर पालिका में कुंडली मार के बैठते हैं उनका खुलासा है। तो पहले बात करूं कोविड बिल की। कोविड बिल का आप सभी को मालूम है, मैं हर चीज रिपीट नहीं करना चाहूंगा। वसई विरार महानगर पालिका में कोरोना फर्स्ट हो या सेकेंड लोट हो, दोनों में अस्पतालों ने काफी लूट मार की, मैंने शिकायतें की, कई लोगों ने शिकायतें की, लेकिन सबसे पहले शिकायत करने वाला मैं था। मैंने आरटीआई फाइल की, बहुत से उसमें डॉक्यूमेंट निकाले, बहुत कुछ मैंने उसमें फॉलोअप किया, लेकिन मुझे मालूम था कि वसई विरार महानगर पालिका इतनी भ्रष्ट है कि बहुत कुछ ज्यादा करेगी नहीं, तो मैं रुका नहीं। मैंने लगातार शिकायतें मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय पर और कहां कहां नहीं शिकायतें की, वहां जहां करनी थी मैंने सब जगह की। उसके बाद में मैंने शासन की पोर्टल पीजी पोर्टल पर भी कंप्लेन की। पीजी पोर्टल पर आपको बता दूं कि कंप्लेन अगर कोई करता है तो उसमें शासन का ये आदेश है कि 45 दिन में वो कंप्लेन पे एक्शन होना चाहिए, और अगर मामला कोविड का है तो सिर्फ 3 दिन में। लेकिन वसई विरार महानगर पालिका ने मेरे को 1 साल में आंसर दिया और वो भी उसमें सिर्फ इतना लिखा कि हमने उन बिलों का ऑडिट किया है जो तो मैंने खुद अपनी वो कंप्लेन में लिखा था। खैर, वसई विरार महानगर पालिका है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते ज्यादा क्योंकि वो ऐसा ही है, लेकिन हम अपना काम जरूर करेंगे। उसके बाद में बात आती है कोविड मरीजों को करीब करीब 2.25 करोड़ रुपया रिफंड हुआ मेरी इतनी कंप्लेन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद में हुआ, लेकिन जब मामला एक बार ठंडे बस्ते में चला गया तो उसके बाद में महानगर पालिका ने छोड़ दिया और आज भी 1.25 करोड़ रुपया वसई विरार महानगर पालिका में लोगों का, कोविड मरीजों का अस्पतालों ने रिफंड नहीं किया है। ये उसका डेटा वसई विरार महानगर पालिका का ताजा आंकड़ा है जिसमें कोविड फर्स्ट लोड का 13 अस्पतालों का 78,70,817 रुपया देना बाकी है और कोविड सेकंड वेव में 42 अस्पतालों में से आधे अस्पतालों ने दिया है, आधे अस्पतालों का कुल 54,34,915 रुपया उन पेशेंट को जिनसे ज्यादा पैसा लूटा गया था उनको देना बाकी था, उन्होंने दिया नहीं। ये कुल मिला के 1.25 करोड़ के आसपास का ये मामला है, ये दस्तावेज सामने है। खैर, यही इसी चीज को लेकर मैं शिकायत कर रहा था कि वसई विरार महानगर पालिका इन अस्पतालों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही, तो मैं रुका नहीं और मेरे आप कागज देख रहे हैं, मैंने ये शिकायत ह्यूमन राइट कमीशन मानवाधिकार आयोग में पिछले साल फाइल की थी। मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया, केस रजिस्टर किया वसई विरार महानगर पालिका के खिलाफ और अभी ये एक नोटिस वसई विरार महानगर पालिका को बजाया है। 30 तारीख को ये नोटिस निकला है ह्यूमन राइट कमीशन से जिसमें वसई विरार महानगर पालिका को 6 हफ्ते का समय दिया गया है कि 6 हफ्ते में आप इसका जवाब दो। अब वसई विरार महानगर पालिका इस नोटिस पर क्या जवाब देगी, क्या है वो देखा जाएगा और वहां जब सुनावनी होगी, हियरिंग होगी, तब फेस किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। मेरे पास बहुत सबूत है वसई विरार महानगर पालिका के भ्रष्ट कारोबार के, मेरे पास बहुत सबूत है,
तो ये तो बात हुई वसई विरार महानगर पालिका में कोविड विषय को लेकर। अब दूसरा जो विषय मैं बताता, वसई विरार महानगर पालिका में अधिकारी लोग जो आते हैं वो कुंडली मार के बैठ जाते थे, ऐसा ही मामला भी सामने आया। वसई विरार महानगर पालिका के 3 बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ या तो प्रमोशन हुआ। उन 3 बड़े अधिकारियों में एक अधिकारी प्रदीप जामले पाटिल, जो कि वसई विरार महानगर पालिका के उपायुक्त थे, उनका प्रमोशन हुआ पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर। 22 तारीख को उनका आदेश होता है, शासन का आदेश होता है 22 सितंबर को, और 22 सितंबर को ही उनको रिलीव दे दिया जाता है। वो चले जाते हैं अपना आगे का जो विभाग है वहां पर कामकाज देखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 22 को ही आदेश हुआ अरुण कोले, जो वसई विरार महानगर पालिका के मुख्य वित्त और लेखा परीक्षक है, उनका आदेश हुआ, उनको प्रमोशन दिया गया शासन के यातायात डिपार्टमेंट में कहीं पर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर इनको प्रमोट करके वहां भेजा गया। 22 सितंबर का इनका भी आदेश 22 सितंबर का, लेकिन आज 15 दिन हो गया वसई विरार महानगर पालिका से इनको रिलीव नहीं किया गया है। इनका मैं और खुलासा करूंगा, उसके पहले यह बता दूं कि तीसरे अधिकारी डॉक्टर किशोर गवस, जिनको पशुधन विकास अधिकारी के रूप में, दरअसल वो मंत्रालय में पशुधन विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, वहां से डेपुटेशन पर वसई विरार महानगर पालिका में पिछले आठ साल से उपायुक्त के तौर पर कार्यरत थे, एक दो बार बदली भी हुई फिर आए। अभी इनका जो लंपी वायरस चल रहा है अभी, उसको लेकर पशुधन विकास अधिकार विभाग जो है उन्होंने सरकार से ये मांग की कि जो हमारे अधिकारी है उनको आप वापस हमें दे दो, ताकि हम इस लंपी वायरस से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान बना सके और अपना काम कर सके। तो इसके लिए सरकार ने उनकी उस अर्जी को मंजूर करते हुए 7 अधिकारियों को अलग अलग जगह से बुलाया, उसमें एक वसई विरार महानगर पालिका के उपायुक्त डॉक्टर किशोर गवस, उनको भी पशुधन विकास अधिकारी, जहां उनका जो असली उनका विभाग है वहां बुलाया गया। उनका आदेश हुआ 29 सितंबर का, आज 4 अक्टूबर है, उनको भी वसई विरार महानगर पालिका ने रिलीव नहीं दिया, जबकि हालात ऐसे है कि लंपी वायरस को लेकर बहुत ज्यादा इस समय टेंशन है। जो मवेशी और गाय भैंस इस समय लंपी वायरस के चपेट में आकर उनको काफी सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी ये अधिकारी डॉक्टर किशोर गवस जो है, इन्होंने वहां जहां इनको भेजा गया, जहां बुलाया गया, और जो इनका असली विभाग है वहां पर इन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वसई विरार महानगर पालिका ने इनको रिलीव नहीं दिया है। तो मेरा सवाल यह है कि जब प्रदीप जामले पाटिल को सेम डे आयुक्त साहब रिलीव कर सकते हैं, तो अरुण कोले को और डॉक्टर किशोर गवस को, इनको दोनों को क्यों नहीं किया गया? आपको एक चीज और बता दूं, जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं आगे आपको कुछ बताऊंगा। जब मेरा कोविड का विषय था, कोविड को लेकर मैंने शिकायतें की थी, और उस समय डॉक्टर किशोर गवस मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के HOD थे, इन्हीं के हाथ में था सब कुछ, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। और साथ ही साथ अरुण कोले, जिनको कि मुख्य वित्त और लेखा, उनको ऑडिटर बनाया गया था, ऑडिटर समिति बनाया गया था, उनका काम था ब्यूरो को ऑडिट करके अस्पतालों को देना और पैसा रिफंड अस्पताल कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसका जानकारी लेना, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं किया। मतलब जो 2 अधिकारी जिन्होंने पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, उनको वसई विरार महानगर पालिका बदली होने के बाद भी रिलीव नहीं कर रही है, तो क्या कारण है इसके पीछे? वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त जो है, उनको इनमें क्या इंटरेस्ट है? क्यों इनको यहां रोके रखा है? यह सवाल बड़ा है। मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ऐसी भी कई जगह से बातें उठती रहती है कि कुछ न कुछ अंदरूनी तौर पर कुछ न कुछ व्यवहार वो चलता रहता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो हकीकत और सच्चाई है वो बता रहा हूं। डॉक्टर किशोर गवस पिछले 8 साल से वसई विरार महानगर पालिका में सेवा दे रहे हैं, एक दो बार बदली भी हुई फिर आए, लेकिन इस समय इतना महत्व का विषय है लंपी वायरस, और उनका आदेश निकले आज 6 दिन हो गए, इन्होंने वहां ज्वाइनिंग नहीं किया, इनको यहां से
रिलीव नहीं दिया गया। और अरुण कोहले जिनका आदेश 22 सितंबर को निकला था, उनको आज 15 दिन होने को आए, 13 से 15 दिन, उनको भी रिलीव नहीं किया गया। तो मेरा सवाल है आयुक्त महोदय से कि आप क्यों उनको रिलीव नहीं कर रहे हो, क्या ऐसी आपकी मजबूरी है, क्या शासन के आदेश को पालना आपका कर्तव्य नहीं है, क्या आप शासन के आदेश से मंत्रालय के आदेश के ऊपर हैं? तो आयुक्त साहब जवाब दे। और ये खुलासा मैंने किया, एक राहत की बात जरूर बताई मैंने कि माननीय ह्यूमन राइट कमीशन मानवाधिकार आयोग ने ये नोटिस भेजा है बसे विरान महानगर पालिका, इस नोटिस के बाद क्या करती है वो देखा जाएगा। वीडियो दोस्तों लंबा हो गया, लेकिन वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।